पुस्तक का नाम धर्म की सुदृढ़ धारणा, लेखक पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। उनके स्थान पर वर्तमान समय के लिए जिन प्रथाओं की आवश्यकता है उनकी आधारशिला आरोपित करने के लिए साहसपूर्वक आगे कदम बढ़ाया कीजिए। आपको नाना जंजालों से भरे हुए मत मतांतरों की ओर मुड़कर देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसमें से बहुत सी वस्तुएं समय से पीछे हो जाने के कारण निरुपयोगी हो गई हैं। उनसे चिपके रहने का अर्थ यह होगा कि अपने हाथ पैर बांधकर अपने को अंधेरी कोठरी में पटक लिया जाए। आप किसी भी धर्म ग्रंथ, संप्रदाय या अवतार का अनादर मत करिए, भले ही आज उनके कई अंश निरुपयोगी हो गए हैं, पर एक समय उन्होंने सामाजिक संतुलन ठीक रखने के लिए सराहनीय कार्य किए थे। आप सभी धर्म ग्रंथ, संप्रदायों और अवतारों का आदर करिए और उनमें से जो बातें ऐसी प्रतीत हों जिनकी उपयोगिता अब भी बनी हुई है उन्हें ग्रहण करके शेष को अस्वीकार कीजिए। हंस की वृत्ति ग्रहण करके दूध को ले लेना और पानी को छोड़ देना चाहिए। सत धर्म का संदेश है कि हे ईश्वर के प्राण प्रिय राजकुमारों, हे सच्चिदानंद आत्माओं, हे नवीन युग की निष्कलंक अग्रदूतों, अपने अंतःकरण में ज्योति पैदा करो। अपने हृदयों की कषाय कलमशों को मत कर निरंतर धोते रहो। अपने अंदर पवित्रता, निर्मलता, स्वच्छता को प्रतिक्षण स्थान देते रहो, जिससे तुम्हारे अंदर ब्रह्मत्व जागृत होगा, ऋषित्व उदय होगा। ईश्वर की वाणी तुम्हारी अंतरात्मा का स्वयं पथ प्रदर्शन करेगी और बताएगी कि इस युग का क्या धर्म है। जब आप अनादि सत धर्म को स्वीकार करते हैं तो इन नाना प्रकार के जंजालों से भरी हुई पुस्तकों की ओर क्यों ताकें। सृष्टि के आदि में जब सत धर्म का उदय हुआ था तो जीवों का पथ प्रदर्शन उनकी अंतरात्मा में बैठे हुए परमात्मा ने किया था। इसी को वेद या आकाशवाणी कहा जाता है। आप पुस्तकों की गुलामी छोड़िए और आकाशवाणी की ओर दृष्टिपात कीजिए। आपकी अंतरात्मा स्वतंत्र है, ज्ञानवान है और प्रकाश स्वरूप है। वह आपको आपकी स्थिति के अनुकूल ठीक ठीक मार्ग बता सकती है। यह मत सोचिए कि आप तुच्छ, अल्प, असहाय प्राणी हैं और आपको अंधे की तरह किसी की उंगली पकड़ करके ले चलने वाले की ज़रूरत है। ऐसा विचार करना आत्मा के ईश्वरीय अंश का तिरस्कार करना होगा। धर्म अधर्म का निर्णय करने के लिए सद्बुद्धि आपको प्राप्त है, उसका निष्पक्ष होकर निर्भय उपयोग किया कीजिए। मत कहिए कि हमारी बुद्धि अल्प है, हमारा ज्ञान थोड़ा है। हो सकता है कि अक्षर ज्ञान की दृष्टि से आप पीछे हों, परंतु सद्बुद्धि तो ईश्वर ने सबको दी है, वह आपके पास भी कम नहीं है। दीनता की भावना को आश्रय देकर आत्मा का तिरस्कार मत कीजिए। अपनी सद्बुद्धि पर विश्वास करिए और उसी की सहायता से आज के लिए उपयोगी रीति रिवाजों को स्वीकार कीजिए। यही सच्चा धर्म है। धर्म और सामूहिकता की भावना। धर्म का एक मुख्य अंग सामूहिकता की भावना है। हमारे देश में अनेक लोगों ने इस भ्रमपूर्ण धारणा को अपना रखा है कि धर्म तो एक निजी चीज है, इसके लिए अन्य लोगों से जितना पृथक रहा जाए उतना ही अच्छा है। इस विचारधारा को लोगों ने यहाँ तक आगे बढ़ाया है कि वे उन्हीं लोगों को सबसे बड़े महात्मा और साधु मानते हैं जो जन समूह को त्याग कर किसी पहाड़ की गुफा या अगम्य वन में जा बैठते हैं और संसार का ध्यान छोड़कर मोक्ष साधन के उद्देश्य से तपस्या में लीन हो जाते हैं। यद्यपि हम नहीं कह सकते कि इस प्रकार एकांत में रहकर तपस्या करने वाले महात्माओं का वास्तविक लक्ष्य क्या होता है, पर कम से कम साधारण लोगों पर तो ऐसी बातों का प्रभाव हानिकारक ही पड़ता है और वे समाज के प्रति
अपने कर्तव्य पालन से उदासीन हो जाते हैं। मनुष्य सामाजिक प्राणी है, उसने अन्य जीवों की अपेक्षा जो उन्नति की है उसका प्रधान कारण उसकी सामाजिक सामूहिक मनोवृत्ति है। मिलजुल कर काम करने और एक दूसरे की सहायता करने के स्वभाव ने ही शिक्षाएं, स्वास्थ्य, संस्कृति, विज्ञान, शिल्प आदि अनेक दिशाओं में मनुष्य को आगे बढ़ाया है। विवाह, कुटुंब, जाति, संप्रदाय, राष्ट्र, सभा, सम्मेलन, संगठन आदि इसी मनोवृत्ति के आधार पर बने हैं। मनुष्य ने यह भली प्रकार जान लिया है कि वह एक दूसरे से अलग अलग होकर नहीं, मिलजुल कर एक दूसरे को सहयोग देकर ही आगे बढ़ सकता है, अपनी कठिनाइयों, कमियों को दूर कर सकता है, क्योंकि इस भावना को बढ़ाने में त्याग, संयम, सेवा, प्रेम, उपकार आदि गुणों की आवश्यकता पड़ती है। इसके विपरीत एक और मनोवृत्ति मनुष्य में काम करती है, जिसे स्वार्थपरता कहना चाहिए। इसकी प्रेरणा से दूसरों से अपने लिए अधिकाधिक लाभ लेना और बदले में कम से कम देने की इच्छा प्रबल होती है। फलस्वरूप बेईमानी, छल, शोषण, अन्याय, संग्रह, विलासिता आदि की वृद्धि होती है। इस मनोवृत्ति को असुर तत्व कहते हैं। यह दोनों ही देव असुर मनोवृत्तियां परस्पर निरंतर संघर्ष करती रहती हैं। गीताकार ने तत्वतः इसी देवासुर संग्राम का वर्णन किया है और अर्जुन को निमित्त बनाकर जनसाधारण को असुरता, स्वार्थपरता को पराजित करने और केवल लोकहित को विजयी बनाने के लिए आंतरिक संघर्ष करते रहने का निर्देश किया है। इन दोनों प्रकार की भावनाओं में संघर्ष चलता रहता है। परिस्थितियों के कारण कभी देवत्व प्रबल हो जाता है तो कभी असुरता की चढ़ जाती है। व्यक्तिगत जीवन की भांति सामूहिक जीवन में भी यह उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कोई काल सज्जनों की अधिकता का होता है तो किसी में दुर्जनों की भरमार रहती है। सतयुग, कलयुग आदि का यही आधार है। बात यह है कि मनुष्य के अंदर असुरता, वाष्विकता, स्वार्थपरता की मात्रा अधिक रहती है। निम्नगामी मनोवृत्तियां सरल और प्रबल होती हैं, उन्हें बढ़ते देर नहीं लगती। ऊर्ध्वगामी देवत्व प्रधान वृत्तियां कठिन और परिणाम में मंद, सौम्य और साधारण होती हैं, जिसके कारण भौतिक दृष्टि से अधिक लाभ मिलते नहीं दिखते, इसलिए उनमें उतना आकर्षण नहीं होता जितना असुरता के सिद्धांतों में। इसलिए बहुधा मन की प्रवृत्ति व्यक्तिगत स्वार्थ साधन की ओर ही अधिक रहती है। पानी को फैलाया जाए तो वह नीचे की ओर बिना किसी प्रयत्न के बह निकलेगा, किंतु यदि पानी को ऊपर चढ़ाना हो तो इसके लिए अनेक प्रकार के साधन जुटाने पड़ते हैं, तब कहीं धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी सफलता मिलती है। आसुरी तत्वों की प्रबलता और देवत्व में सौम्यता के कारण बार बार ऐसे अवसर आ जाते हैं कि व्यक्तियों में तथा समाज में सामूहिकता की प्रवृत्ति घट जाती है और स्वार्थपरता बढ़ जाती है। उस असंतुलन की स्थिति को संभालकर संतुलन कायम करने के लिए कोई महापुरुष, देवतूर, अवतार आते हैं और बुराइयों को घटाने, अच्छाइयों को बढ़ाने के लिए उद्देश्य को पूरा करके चले जाते हैं। यह तो हुई विशेष परिस्थितियों को विशेष रूप से समाधान करने वाले विशेष महापुरुषों की बात, पर साधारण समय में भी असुरता को, असामाजिकता को नियंत्रित करने और देवत्व को प्रोत्साहन देने के लिए कुछ आत्माओं को प्रयत्न करते रहना होता है। यदि प्रयत्न ना हो तो भ्रष्टाचार अत्यंत तीव्र गति से फैलता है और जनमन की स्थिति असुरता से आच्छन्न हो जाती है। हर वस्तु से मैल निकलता है, समय समय पर उसकी सफाई करते रहना पड़ता है। यदि वह सफाई ना की जाए तो गंदगी और बीमारी फैलती है।
बर्तन, कपड़ा, मकान, शरीर आदि किसी भी वस्तु को लें, उन पर मैल जमने की प्रक्रिया होती रहती है। मिट्टी, साबुन, बुहारी, जल आदि वस्तुओं से उनकी जल्दी जल्दी सफाई करनी पड़ती है। यदि सफाई की यह क्रिया बंद कर दी जाए तो ये वस्तुएं मलिनता से भर जाती हैं। मानवीय मन और समाज की भी यही स्थिति है। मन में भी एक प्रकार की गंदगी और मलिनता उत्पन्न होती रहती है, जिसे स्वार्थपरता, वासना, तृष्णा आदि नाम दिए जाते हैं। इसकी सफाई जल्दी जल्दी न की जाती रहे तो मन की यह गंदगी बहुत बढ़ जाती है और कुछ ही दिनों में वह बढ़ी हुई मानसिक मलिनता वाला व्यक्ति एक प्रकार से विषाक्त रक्त वाले छूत के रोगी की तरह अपने लिए ही नहीं, निकटवर्ती अन्य लोगों के लिए भी हानिकारक बन जाता है। उसकी बुरी नीयत, बुरी आदत, बुरी भावना, बुरी विचारधारा उससे इस प्रकार के कार्य बलात् कराती रहती है, जो दूसरों के लिए, समस्त समाज के लिए कष्टकारक होते हैं। अपने भौतिक लाभ की बात सोचते रहने से मनुष्य के स्वभाव में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या, द्वेष, असत्य, दंभ, आलस्य, चोरी, अनीति, निष्ठुरता आदि अनेकों बुराइयां पैदा हो जाती हैं, और वे बुराइयां जब मना क्षेत्र से बाहर निकलकर वाणी और क्रिया में प्रकट होती हैं तो वे कला और कुकर्म के रूप में ही सामने आती हैं। यह प्रवृत्ति एवं प्रक्रिया जब अधिक लोगों में अधिक मात्रा में बढ़ जाती है तब प्लेग, हेजा, चेचक आदि महामारियों की तरह सामाजिक अनाचार का रोग फैल जाता है और उसकी कष्टकारक परिणति से सभी लोग नाना प्रकार के दुख पाते हैं। चोरी, बेईमानी, अनीति, हत्या, लूट, व्याभिचार, उद्दंडता, आलस्य, शोषण, विलासिता, संघर्ष, द्वेष आदि की अनेकों दुष्प्रवृत्तियां अनेक रूपों में फूट पड़ती हैं, जिससे व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में सर्वत्र अशांति दिख पड़ती है। घर, परिवार, मोहल्ले, ग्राम, देश, राष्ट्र, समाज अनेक छोटी मोटी घटनाओं एवं परिस्थितियों को लेकर आपस में टकराते, घायल होते, दुख पाते और बर्बाद होते हैं। यूं नदी नालों में होकर असीम मात्रा में पानी बहकर व्यर्थ जाता रहता है, पर यदि उसका सदुपयोग करना होता है तो उस जल को काम में लाने के लिए अनेक व्यवस्थाएं बनानी पड़ती हैं। घाट, बांध, नहर, पंप, नींव, जहाज आदि साधनों की सहायता से वह भयंकर जलधारा, जिससे हानि की ही आशा की जाती थी, बदलकर बड़ी उपयोगी एवं लाभदायक बन जाती है। यदि यह उपाय न किए जाएं तो नदी नालों से लाभ मिलना तो दूर, उल्टे वे अनेक प्रकार से बाधक बनेंगे। यही बात मनुष्य की प्रवृत्तियों के संबंध में भी है। उसके भीतर से जो असुरता, स्वार्थपरता हर घड़ी फूटती रहती है, उसे नियंत्रित करने के लिए घाट, बांध, नहर आदि की तरह नैतिक देवी भावनाओं के नियंत्रण स्थापित करने पड़ते हैं। यह तंत्र जब तक मजबूत रहता है, लोग दूसरों के प्रति अधिक उत्तम व्यवहार करते हैं, एक दूसरे के लिए त्याग और प्रेम का परिचय देते हैं, फलस्वरूप सबके मन प्रसन्न रहते हैं, सामाजिक सुव्यवस्था कायम रहती है और साथ ही भौतिक उन्नति के साधन भी बनते हैं। पर जब यह धर्मतंत्र शिथिल होने लगता है तब असुरता की प्रवृत्ति अंतरात्मा के भीतर सौम्य गति से काम करने वाली देवी प्रवृत्ति को परास्त करके अपनी असुरता स्थापित कर देती है और इस प्रति पर नरक के दृश्य उपस्थित हो जाते हैं। नर्तनधारी, व्याग्र, हाट बाजारों में, घर द्वारों में, खेत खलियानों में, सभा संस्थानों, मंदिर, मस्जिदों, दफ्तर, राजद्वारों में घूमते दिखाई पड़ते हैं। अपनी कुटिलता को छिपाने के लिए
बातें बढ़ चढ़कर बनाते हैं, पर उनके कार्यों पर बारीक निगाह डालते ही नाक को सड़ा देने वाली गंदगी उड़ती दिखाई पड़ती है।